हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों नहा चुके हैं, एक दुकान जाना है, पहले से दुकान खुला हुआ है, पहले से दुकान खोल के रखा है, अब खा के सीधा दुकान में बैठना है। और दोस्तों कल तो उधारी उधारी कुछ मिला नहीं, कोई दिया नहीं, आज मैं जबरदस्ती टोकूंगा उनको कि मेरा पैसा लेते हैं, जबरदस्ती टोकना पड़ेगा। खाने वाले को शर्म नहीं है पर मांगने वाले को शर्म लग रहा है, क्या करें। तो अभी जाएंगे दुकान में बैठेंगे, हम देखते हैं कौन किसका कितना उधारी बाकी है, तो सब कुछ आज मांगूंगा। ये बिस्किट आइटम सब खत्म हो चुका है और गाड़ी लोग खुद बोला था कि कल देंगे बोल के, पर कल किसी को पता नहीं लगा, सब गायब हो गया। तो अभी जा रहे हैं पैर पहन कर, खाना वाना खा के सीधा दुकान पे बैठ जाएंगे। तो बने रही है, नींद पूरा होता नहीं है इसलिए आग भी फूला फूला लग रहा होगा। देखिए इस दिन देखिए क्या कर रहा है ये। तो देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों दुकान में आ चुके हैं और अभी देखिए 9 बजने वाला है, तो तभी से सर कस्टमर आ रहे हैं जो सामान भी निकालने नहीं पा रहा बाहर, देखिए पड़ा हुआ है। तो अभी जा रहा हूँ सामान बाहर निकालने, ये सब बाहर रखने के लिए, नहीं तो फिर से कोई आ जाएगा। सबको बाहर रख देते हैं, सजा देते हैं, फिर बैठेंगे आराम से। आज फिर भयंकर गर्मी लगेगा जैसा लग रहा है, तो देख लीजिए। तो है दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, 6:30 बज चुका है और आज दिन भर मेरा ध्यान नहीं था, पता ही नहीं मेरा ध्यान क्या हो रहा है, इधर उधर समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, ध्यान नहीं लग रहा है, किसमें क्या लग रहा है पता नहीं चल रहा, और जिसमें लग रहा है बोल नहीं सकता किसमें लग रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो अब भी अचानक तभी से सोच रहा वीडियो बनाऊँ फिर भूल जा रहा हूँ, अभी सोचा था लगाऊंगा वीडियो बनाऊंगा, फिर अभी मोबाइल चार्ज में लगा दिया, फिर अभी इधर दिमाग ख़राब हो गया मेरा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, अभी इधर उधर उल्टा पुल्टा दिमाग में लग रहा है। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, मेरी वाइफ भी आ चुके हैं घर में, और अभी अभी देखिए अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ झाड़ू वाड़ू सब करके, अभी ज़बरदस्ती मोबाइल पकड़ के शूट कर रहा हूँ, कुछ दिखाने का तो है नहीं, कल का दिन अच्छा था दिखाने के लिए, पर सब सोच के नहीं दिखा पाया आप सबको, नहीं तो आपको बहुत मज़ा आया होता, जितना परेशान हुए थे हम लोग। और आज ये कल परसों फिर से मुझे जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि और भी अलग अलग आइटम ख़त्म हो चुका है, स्पाइस सब का दोनों ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए फिर जाना पड़ेगा जैसे लग रहा है मेरे को, तो कल या परसों फिर जाऊंगा वहीं से ले जाऊंगा, देखते हैं आज या कल में से क्या हो रहा है, कौन सा ख़त्म हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो उधारी था यहाँ पर देखिए सामान बहुत खराब हो ख़त्म हो चुका है, बिस्किट हो गया, अभी साबुन का आइटम हो गया ख़त्म हो चुका है, आज 700-800 रुपया मिसेस को दिया था पर उधर से खरीद के लाया नहीं, अच्छा नहीं लग रहा तबीयत, इसलिए हम रिटर्न आगे बोले और आई नहीं, खरीदी नहीं। और अभी सामान ख़त्म हो चुका है, राज यहाँ पे जितना यहाँ पे कम से कम मेरा 3 से 4 हज़ार रुपये यहाँ से निकलेगा, ये कबाड़ी वाले से 4 हज़ार से नीचे नहीं है, 4 हज़ार से ऊपर ही है उधारी, पर खुद बोला था कि संडे को देंगे, अभी तक उसका दर्शन नहीं है, अभी जस्ट एक जन है जो वो खुद याद करके दे देता है, उसका ज़्यादा नहीं होता, 100-150 रुपया होता है, वो 150 रुपया होता है, वो अभी आके दे दिया, और बाकी सब का तो दर्शन ही नहीं है, मेरा तरफ देख भी नहीं रहा है, और जिसका 1000 के ऊपर है 1100 के ऊपर है वो तो शायद आया नहीं है आज। जो अभी इधर का जब सामान कूल ड्रिंक का सामान जब इधर फंसा हुआ है मतलब स्टॉक में है, तो इधर का सामान ख़त्म हो चुका है, इधर का सामान कहाँ से लाऊँ अभी, जो कि पैसा तो यहीं पर फंसा हुआ है, अब क्या करूँ क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। एक जन के पास 1700-1800 रुपये हो गया, एक बड़ी वाला का मालिक के पास, वो भी आजकल पूरा देता नहीं है, आधा आधा देता है, उधारी पैसा पूरा इधर फंसा हुआ है, 3-4 हज़ार रुपये एक ही बार मिल जाता तो बहुत सारा सामान आ जाता दुकान के लिए, बोल रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ, कितना बार बोलूँ, चलो देने वाले को शर्म नहीं है, खाने वाले को शर्म नहीं है, मेरे को खुद शर्म लगता है बार बार मांगने के लिए, क्या बोले, बहुत सारा उधारी पैसा हो चुका है यहाँ, ये लोग जब दे देता तो अभी बाकी सामान होने की जगह मैं इधर का और बाकी सामान ले आता, ऐसे होके मेरा दुकान भरा रहता, पर देगा तब तो, अभी शाम भी हो गया अभी तक किसी का दर्शन ही नहीं है, देखते हैं कब तक देता है लोग,
दो जो 400-500 रुपया है उसी में से, नहीं तो कल सबून साबुन लाना पड़ेगा, तो कल उधारी ज़्यादा होना पड़ेगा मेरे को वो ऑटो वाले से। वो बोल रहा है कि जो तुम राउरकेला से सामान लाते हो तेरा भाड़ा पड़ जाता है इतना। उसका एक्चुअली बोलना सही है, पर बोल रहा है कि तेरा भाड़ा इतना लग जाता है तो क्या फ़ायदा होता है तेरा वहाँ से लाना। वो तो सही है बात, लेकिन मैं मुझे जो जो सामान चाहिए वो तो ये ला के नहीं देगा, तो मजबूरी जाना पड़ेगा। और एक चीज़ के लिए इसको बोलूँगा तो ये लाएगा, बस एक चीज़ लाएगा, तो बाकी सामान के लिए तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। और टाइमली अगर नहीं लाएगा तो मेरा फ़ायदा क्या होगा। बोलता मैं बोल वो भी सही रहा है, फ़ायदा तो नहीं होता, पर मजबूरी है लाना। अगर ऑटो करते हैं तो 250-300 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा, और जो मेरा प्रॉफिट निकलता वो वाला वहीं चल जाएगा। और अगर बाइक से जाते हैं तो कम से कम 50-100 तो बचता ही है, भले कुछ भी हो। इस बार जाएंगे तो आधा सामान लाएंगे, जैसे कि एक ही बार कल के जैसे पूरा बड़ा सामान नहीं, ज़्यादा सामान नहीं लाएंगे, उससे हल्का भी हो जाएगा और स्टॉक भी रह जाएगा मेरा, खाली भी नहीं होगा दुकान। तो देखते हैं कल या परसों तो फिर से जाना पड़ेगा मेरे को, देखते हैं क्या होता है, बने रहिए। तो दोस्तों 8 बज चुका है रात के, और अभी जा रहा हूँ मैं ट्यूशन लोग को लाने के लिए, तो जाते हैं वीडियो ले जाते हैं। दोस्तों रात के 10:30 बज रहे हैं, और अभी लिस्ट बना रहा हूँ कल के लिए, क्या क्या रख रहा है क्या क्या नहीं। दोस्तों पूरा सामान ख़त्म हो चुका है दुकान में, साबुन आइटम नहीं है, बिस्किट्स आइटम नहीं है, ऐसे बहुत कुछ सामान ख़त्म हो चुका है। ज़्यादातर तो यही दोनों साबुन है और बिस्किट्स आइटम ख़त्म हो गया है, और एक दो इधर का जो लेज आइटम सब 2-3 ख़त्म हो चुका है, पर हाथ में एक पैसा नहीं है। सर उधारी में 4,000 करीब यहाँ यहीं पर फंसा हुआ है। इसी चक्कर में अभी दिमाग टेंशन हो गया कि क्या कल कहाँ से मंगाऊँ। अभी ऐसे भी मेरा 700 रुपये उधारी में हूँ उस गाड़ी वाले से, और अभी इतना सामान खरीदना है मुझे, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कल देखते हैं, यहाँ जो भी दिखेगा सबको चमका के बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा दुकान नहीं चलेगा, ये लोग के चक्कर में मेरा दुकान ही बंद हो जाएगा। लेता है दे देता है बोल के मैं भी कुछ बोलता नहीं हूँ, तो ये लोग थोड़ा सर पे चढ़ गया है। लिमिट रख देने से होगा कि 100-150 से ज़्यादा नहीं दूंगा उधार लेने से भी। अभी इतना इतना फंसा हुआ है, किसके पास 1,000, किसके 1,100, किसी के पास 1,500 या 1,700 ऐसे है, तो इतना पैसा अगर आ जाएगा तो मेरा कितना सामान आ जाएगा। और घर में वाइफ से बोलने से भी वो भी मतलब गुस्सा कर रही है कि अभी तो है नहीं पैसा, 500-600 रुपये में क्या क्या लाऊँ वहाँ से। वो भी वो सही बात है, उतना में कितना सामान आएगा। मैंने आज उसको बोला था कि उधर साबुन कम से कम ले आना, पर है नहीं। अभी टेम्पो वाले के यहाँ भी 700 करीब उधारी में हूँ, तो कल अभी लिस्ट बना रहा हूँ, देखते हैं कितना कितना हो रहा है। और अभी उसका कल अगर उसमें उससे ज़्यादा सामान खरीदता हूँ तो और उधार ज़्यादा बढ़ जाएगा, सब तरफ टेंशन है। चला अभी कल शायद मेरे को जाना पड़ेगा, कल देखते हैं। स्पाइस आइटम तो ख़त्म हो चुका है, कल एक्चुअली जाना चाहिए मुझे, देख रहे हैं कल जाते हैं या परसों जाते हैं। परसों जाने से थोड़ा कल ही चला जाऊँगा शायद, मैं कुछ सामान ले आऊँगा, नहीं तो एक ही बार ज़्यादा हो जाने से मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण से कल, नहीं तो देखते हैं कितने टाइम में जाके ले जाएंगे। अगर दुकान 1-1.5 घंटे कोई संभाल लेगा तो मैं जाके ले आऊँगा। तो है दोस्तों अभी रात के 11:10 हो रहे हैं, और मैं देखिए अभी तक दुकान बंद किया नहीं है। ये देखिए अभी जस्ट सामान वामान घुसा के अंदर किया है, अभी भी कस्टमर लोग का देखिए गाड़ी बाहर है। तो अभी जा रहा हूँ मैं, किसका गाड़ी है पता नहीं, वो खुद समझेगा। मैं जा रहा हूँ अभी, मेरा टाइम हो गया मेरा
कहीं टाइम 11:10:05 हो गए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ दुकान बंद करने के लिए। तो आज का ब्लॉग बस दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। देखते हैं कल ये लोग को तो जैसे करके बोलना है, नहीं तो मेरा दुकान बेकार हो जाएगा। आज लिस्ट बना दिया है 17, 18, 19 आइटम और पैसा है, पर देखते हैं कितना हो रहा है, कल कल पता चलेगा। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों और मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय और जय श्री राम दोस्तों।